हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिल्क पाउडर की रेसिपी, जिसे आप नॉर्मल दूध से बना सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। मैंने ये कढ़ाई को गैस पर रख दी है। अब मैं इसमें दूध डालूंगी। आप कोई भी दूध ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है मदर डेयरी का दूध यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 1.5 लीटर से ज़्यादा दूध ले रही हूँ। मैंने गैस का फ्लेम अप कर दिया है फुल। आप चाहें तो इसे मीडियम फ्लेम पे भी बना सकते हैं। हमने इस दूध को सुखाना है काफ़ी हद तक, मतलब जैसे खोए की कंसिस्टेंसी में आ जाए उस तरह का हमने इसे बनाना है। तो आप देखते रहिए। अभी इसमें पहले मैं बॉयल आने का वेट कर रही हूँ। देखिए, इसमें बॉयल आ गया है। तो अब हम इसको चलाएंगे। इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, ठीक है? चलाते रहेंगे हम रेगुलर इसको ताकि ये नीचे ना लगे, ठीक है गाइज? आप ना कोई ऐसा खुले बर्तन वाला, जैसे मैंने ये कढ़ाई ली है, आप भी कोई ऐसा चौड़े मुंह वाला खुला मुंह वाला बर्तन यूज करिएगा इसके लिए, ताकि दूध बाहर ना निकल जाए अगर आप फुल आंच पे बना रहे हैं। और मेक श्योर कि आप इसको चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लग जाए, ठीक है? और मोटी तली वाला आपने जो भी बर्तन है वो यूज करना है। इस फुल फ्लेम पे इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे बिल्कुल भी ना लगे, ठीक है? जब तक ये एकदम सूखने नहीं लग जाता, खोए की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता, तब मावा जिसे बोलते हैं, तब तक हमने इसको पकाते रहना है। ये मैं 1/2 लीटर से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मदर डेयरी का जो नॉर्मल टोंट मिल्क आता है वही वाला यूज़ किया है। इसमें आपको कोई मलाई वाला दूध या फिर जो फुल क्रीम दूध की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास ईजिली अवेलेबल हो। तो गाइज, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, इसमें चीनी डाल के इसे बिल्कुल मत पकाइएगा, क्योंकि चीनी डालने की वजह से जो है आपका मिल्क पाउडर नहीं बन पाएगा, ठीक है? चीनी कैरमलाइज हो जाएगी और आपका मिल्क पाउडर नहीं बनेगा। तो इसको बनाते हुए चीनी दूध में बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करनी है। ये थिक काफ़ी थिक होना स्टार्ट हो गया। अभी हम इसे और पकाएंगे। मैंने इसे फुल गैस पे ही पूरा पकाया है। अभी आपको दिखाने के लिए गैस लो किया था क्योंकि मैं कैमरा एडजस्ट कर रही थी, तो मुझे था नीचे ना लग जाए, ठीक है? तो इसको हम पकाएंगे फुल फ्लेम पे ही। मैं इसे पका रही हूँ। जो है वो थोड़ा सा, मतलब हमें येलो नहीं करना है एकदम, थोड़ा सा रंग तो बदलेगा पकने की वजह से, ठीक है? पर कोशिश करिएगा कि इसका रंग ज़्यादा ना बदले। बस ये होने ही वाला है। इस तरह से साथ के साथ साफ करते रहें ताकि ये नीचे ना चिपके। आप देख सकते हैं नीचे जरा भी नहीं लगा है। ये देखिए, बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा है। कंसिस्टेंसी इसकी एकदम ठीक है। ये बनके तैयार हो गया। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये अभी थोड़ा और भी सूखेगा जब हम इसे बाहर निकालेंगे, तो ये और गाढ़ा होगा। सूखेगा मींस थोड़ा और गाढ़ा होगा जब मैं इसको, अभी जब ये ठंडा हो जाएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। बड़ी प्लेट में या फिर आप कोई भी स्टील का बर्तन ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें उसमें निकाल लूंगी। ये प्लेट में मैंने निकाल लिया। अब इसको हम फैला लेंगे पतला पतला, बिल्कुल पतला पतला हमने इसे फैला लेना है। इसको हमने पतला पतला फैला लेना है, ठीक है? और इसको हमने सूखने के लिए रख देना है, ठीक है? अगर आप इसे धूप में नहीं सुखाएंगे तो इसको 2 दिन भी लग सकते हैं पूरी तरह से सूखने में। तो अब हम इसे सुखाएंगे, ठीक है? चाहे तो आप इसे पंखे में सुखाइए, चाहे तो आप इसे धूप में सुखाइए। इस तरह से पतला पतला पूरा फैला लीजिए।
जितना ज़्यादा पतला फैला सकें आप उतना फैलाइए और इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। ये सूख जाए तो इसको मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से इसको पलट देंगे ताकि ये नीचे से भी सूख जाए। ठीक है, हमने इसे बहुत अच्छे से सुखाना है। ठीक है, आप इसको धूप में भी आराम से सुखा सकते हैं, और अगर धूप में नहीं सुखाते तो इसको 2 से 3 दिन लग सकते हैं सूखने में पूरा अच्छी तरह से, डिपेंड करता है कि कैसा वेदर है। गर्मी बहुत हो रही है इस वजह से एक ही दिन में देखिए कितना सूख गया है, पर इसको मैं शाम तक और सुखाऊंगी। और इसको मैंने धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाया, इसको मैंने पंखे की हवा में ही रखा है। मैं इसको शाम तक चेक करती हूँ, गर्मी होने की वजह से ये काफ़ी जल्दी सूख गया है, तो शाम तक ये एकदम अच्छे से पूरी तरह से सूख जाएगा, पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी ड्राई हो चुका है, ये पूरी तरह से सूख चुका है गर्मी की वजह से, ये पूरा 1.5 दिन में सूख गया है। अब इसको हमने डालना है मिक्सी जार में। देखिए ये पूरा डाल दिया इसमें, अभी हम इसे पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा आपका जार गीला नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा हुआ होना चाहिए। गाइस ये अच्छे से पाउडर जो है इसका बन चुका है, तो ये हमारा मिल्क पाउडर रेडी हो गया है। अब इसको हम छान लेंगे। देखिए एक छलनी में हम डाल लेंगे सारा पाउडर, चम्मच की मदद से इस तरह से पूरा हम छान लेंगे। मैं आपको छान के दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस ये छन गया, और ये जो है ये मोटे टुकड़े बच गए हैं, इसको आप दोबारा से पीस के इसमें मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए कितना फाइन पाउडर मिल्क पाउडर बन के ये आपका घर में तैयार हुआ है। तो देखिए गाइस मैंने इसमें इसे निकाल लिया है, कितना अच्छा मिल्क पाउडर जो है आप देख सकते हैं ये बन के तैयार हुआ है। आपने मैंने इसको एकदम जो है घर पे बनाया है, और ये मैंने ये डबल टोन जो टोन मिल्क होता है सिर्फ उसकी मदद से बनाया है। आप घर पे इसे बना सकते हैं, एकदम बढ़िया मिल्क पाउडर बनके आपका रेडी हो जाए होममेड मिल्क पाउडर। तो आई होप आपने मेरा वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी मैं वीडियो खत्म करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।